ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है। चौथे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अब इंद्र जो है ब्रह्म हत्या का उस पर पाप लग रहा है, वही वर्णन चल रहा है। श्री शुक उवाच वृत्र विक्रम संविघ्न सर्वे देवा सहर्षिभिः।
तद्वधाय आर्तयन् इन्द्रम् न एचत् पीतो बृहद्वधात्। मेरे साथ श्री शुक वाचा वृत्र श्री शुक वृत्र विक्रम संविघ्ना विघ्न संविघ्ना सर्वे देवा सहर्षिभिः सर्वे तद्वधाय आर्थयन् इन्द्रम् न एतद् भीतो बृहद्वधात्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा वृत्र वृतासुर के विक्रम शौर्य से संविघ्ना चिंतायुक्त होकर सर्वे सभी देवा देवतागण सहर्षि भी अहन साधु समेत तद्बधाय उसके बध के लिए आर्थयन प्रार्थना की। इंद्र इंद्र से न एचत इनकार कर दिया भीतः डर कर बृहद बधात ब्राह्मण बध के कारण। अब ये परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने उत्तर दिया, द्वारा जब समस्त ऋषि तथा देवता जब ऋषि तथा देवता वृत्रासुर की असाधारण शक्ति से विचलित हो रहे थे, तब वृत्रासुर की असाधारण शक्ति से विचलित हो रहे थे, उन्होंने एकत्र होकर तो उन्होंने होकर इंद्र से उसका वध करने के लिए याचना की थी, इंद्र से उसका इंद्र से वध उसका करने वध करने के लिए याचना की किंतु थी, इंद्र ने ब्राह्मण हत्या के भय से किंतु इंद्र ने ब्राह्मण हत्या के भय से उनकी उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। हाँ, हालांकि उस समय पता नहीं था, लेकिन ये ब्राह्मण से पैदा हुआ था तो ब्राह्मण पुत्र होने का चांस ज्यादा था। इंद्र ने कहा नहीं, एक ब्रह्म हत्या बहुत हो गई, क्योंकि विष्णु रूप को उन्होंने मारा तो वो ब्रह्म हत्या तो किसी तरह उन्होंने निपटाया, वो उन्होंने मना किया था इंद्र ने, तो ये वर्णन चल रहा है। अब बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि ऐसा हुआ था। इंद्र वाचा स्त्री इंद्र भूत, वाच, एक मिनट, स्त्री अरे सॉरी सॉरी, भूत द्रुम जले एनो विश्वरूप वद उद्भवम विभक्तम अनुग्रह वृत्र हत्याम क्व मार्जमि अहम्। मेरे साथ इंद्र वाचा, इंद्र वो बता रहे इंद्र ने क्या कहा था। इंद्र बोला स्त्री भू द्रुम जले एनो विश्वरूप विश्वरूप वद उद्भवम विभक्तम भवम्। अनुग्रहण ग्रहण अनुग्रहण भी विभक्तम वृत्र हत्याम क्व मार्जमि अहम्। अनुग्रहणाति ये मार्जम्य हम है, मार्जमी पढ़ेंगे क्योंकि यौ लगा हुआ है, तो मार्जमी अहम पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ है इंद्र उवाचा, राजा इंद्र ने उत्तर दिया, स्त्री स्त्री भू पृथ्वी द्रुम वृक्ष जल है तथा जल के द्वारा एनह यह पाप जो पहले विश्वरूप का चढ़ा था उसके ऊपर, विश्वरूप विश्वरूप के बद से उद्भव उत्पन्न विभक्तम बांट लिया अनुग्रहणात भी अपने अपने अनुग्रह से वृत्र हत्याम वृत्र की हत्या से वृत्रासुर की हत्या से को कैसे मार्ज में मुक्त हो सकूंगा अहम मैं। तो ये तो बड़ी मुश्किल से मैं इसे निकला हूं, अब दूसरी ब्रह्म हत्या मेरे से मत कराओ, ये कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। राजा इंद्र ने उत्तर दिया,
राजा ने राजा जो इंद्र उत्तर ने दिया, उत्तर दिया, जब मैंने विश्वरूप का वध किया, जब मैंने मैंने विश्वरूप विश्वरूप का वध का वध किया किया तो मुझे अत्यधिक पाप बंधन मिला था, तो मुझे तो अत्यधिक मुझे पाप बंधन अत्यधिक मिला पाप था, मिला था। बंधन मिला था। किंतु स्त्रियों, किंतु किंतु स्त्रियों स्त्रियों, धरती, 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 वृक्षों, धरती, वृक्षों वृक्षों तथा जल ने, तथा तथा जल जल ने ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था, मेरे ऊपर मेरे ऊपर अनुग्रह अनुग्रह किया किया था, था, जिससे मैं अपने पाप को, जिससे मैं अपने जिससे पाप मैं को अपने उन पाप सबों को उन सबों में बांट सका, में उन बांट सबों में सका। बांट सका। किंतु यदि मैं अब एक अन्य ब्राह्मण, किंतु किंतु यदि यदि मैं मैं एक अब अन्य एक अन्य ब्राह्मण ब्राह्मण धृतासुर का वध करूं तो, वृद्धाश्रम का वध धृतासुर करूं का वध करूं तो भला तो, भला पाप बंधनों से मैं, पाप भला बंधनों से पाप मैं से अपने मैं अपने आप को किस प्रकार मुक्त कर सकूंगा, आप अपने आप को को किस किस प्रकार प्रकार मुक्त मुक्त कर कर सकूंगा। सकूंगा, मुक्त कर सकूंगा। हाँ, अब हरे सुखदेव, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज। श्री शुकावाचा ऋषयः तद उपाकर्ण्य महेन्द्रम इदम् अब्रुवन् याजयिष्याम भद्रं ते भयमे धेनु मा स्म भय भय। मेरे साथ श्री शुकावाचा, श्री श्री शुकावाचा शुकावाचा ऋषयः तद उपाकर्ण्य ऋषयः महेन्द्रम उपाकरण्य इदम् अब्रुवन्। महेन्द्र महेन्द्रमिदमब्रुवन् मतलब महेन्द्र। याजयिष्याम भद्रं ते, याजयिष्याम भद्रं ते भय भद्रमिति मे धेन मा स्म भय। भयं शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषि परम साधुगण तत् वह उपाकर्ण सुनकर महाइंद्र राजा इंद्र से इदम यह अब्रुवन् कहा, याजयिष्यामः, हम महान यज्ञ करेंगे भद्रम कल्याण ते तुम्हारा, हय मेधेन अश्वमेध यज्ञ से मा स्म भय, मत भयभीत हो। मेरे साथ श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव यह सुनकर ऋषियों ने, ने कहा, यह सुनकर इंद्र को उत्तर दिया, इंद्र इंद्र को को उत्तर उत्तर दिया, हे दिया, स्वर्ग हे स्वर्ग के राजा, के तुम्हारा राजा, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण तुम्हारा कल्याण हो, हो, तुम डरो नहीं, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें ब्राह्मण हत्या से लगने वाले, हम तुम्हें हम ब्राह्मण तुम्हें हत्या से ब्राह्मण लगने हत्या वाले, से लगने वाले, किसी भी पाप से मुक्ति के लिए, किसी भी किसी पाप से पाप से मुक्ति मुक्ति के के लिए लिए एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे, एक अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ यज्ञ करेंगे। वो वो करेंगे। करेंगे। हाँ, ये कहा, मनाया उसको। आप जानते हैं ये गलत है, शास्त्रों के हिसाब से अगर आप ये कहें, ये कर्म करें और इसको हम ऐसे इससे छुटकारा पाएंगे, ये गलत है। ये कहा है ना आपसे कि अपराध नहीं करना चाहिए, हम पढ़ते हैं अपराध है, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये सोच के करें कि हम इससे इसको नलिफाई कर देंगे, शमित कर देंगे इससे, वो गलत है, वो शास्त्र के विरुद्ध है, उसका पाप आप ऐसे नहीं छुड़ा सकते। मैं ये कहूं, मैं चलो चोरी कर लेता हूं और दो माला और जप लूंगा, ये तो गलत गलत है। तो ये चीज यहाँ, या ऐसा कह के इंद्र को इन्होंने बनाया। हय मे धेन पुरुषम परमात्मनम परमात्मानम ईश्वरम इष्ट्वा नारायणं देवम मोक्ष से अपि जगत बधात। मेरे साथ, हय मे धेन पुरुषम परमात्मानम परमात्मानम ईश्वरम ईश्वरम परमात्मानम
नारायणं देवं देवं मोक्षसे अपि जगद्वदा मोक्षसे शब्दार्थ है अयमेधेन अश्वमेध यज्ञ से पुरुषम परम पुरुष परमात्मा नाम परमात्मा को परमात्मा नाम परमात्मा को ईश्वरम परम नियंता ईश्वर पूजा करके नारायण भगवान नारायण को देवम परमेश्वर मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। अभी भी जगत बदार सारे संसार का वध करने के पाप से मेरे साथ पढ़े। ऋषि ने आगे कहा, ऋषियों ने आगे कहा, हे राजा इंद्र, हे हे राजा राजा इंद्र, अश्वमेध यज्ञ करके अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ यज्ञ करके उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसके उसके द्वारा द्वारा पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान भगवान को को जो परमात्मा जो जो परमात्मा परमात्मा भगवान 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 नारायण और परम नियंता है नारायण नारायण और नारायण परम नियंता नियंता है है प्रसन्न प्रसन्न करके मनुष्य प्रसन्न करके सारे संसार के पद के पाप पर से प्रसन्न कर मनुष्य मनुष्य सारे सारे संसार संसार के के पद के पापों पापों से फलों भी मुक्त हो सकता है से भी भी मुक्त मुक्त हो हो सकता सकता है है वृत्रासुर जैसे वृत्रासुर वृत्रासुर जैसे जैसे एक असुर के वध की तो बात ही क्या है। एक असुर के एक वध असुर की के तो तो बात ही बात क्या ही क्या है है तो बात बात ही ही क्या है हाँ किंतु इनको ये पता नहीं था वो भगवान का इतना महान भक्त है तो कहा इससे आप छुटकारा पालोगे। ऋषियों ने कहा ही ब्रह्मा पितृहा गोग्नो मातृहा आचार्यः अगवान स्वादः पुलकसको वापी शुद्धैरन्यस्य कीर्तनात् तम अश्वमेधेन महामखेन स्वध्वान्वितो अस्माभिः अनुष्ठितेन हत्वापि सब्रह्मचराचरं त्वं न लिप्यसे किं खल निग्रहेण। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा पितृहा गोग्नो ब्रह्मा पितृहा पितृहा गोग्नो गोत्नो मातृहा आचार्यः अगवान् मातृहा भगवान स्वादः पुलकसको वापि स्वादापुल शुद्धैरयन् शुद्धैरन् यस्य कीर्तनात् शुद्धिरन्यस्य कीर्तनात् तमस्वमेधेन महामखेन तमस्वमेधेन तद्ध्वान्वितो अस्माभिः अनुष्ठितेन महामखेन हत्वापि सब्रह्मचराचरं त्वम् ब्रह्मचराचरं न लिप्यसे किं खल निग्रहेण। न लिप्यसे शब्दार्थ है ब्रह्मा ब्राह्मण की हत्या करने वाला पितरहा पिता की हत्या करने वाला गोगना गो हत्या करने वाला मातृहा माता का वध करने वाला आचार्य अपने गुरु के हत्या करने वाला भगवान ऐसा पापी पुरुष स्व अधः कुत्ता खाने वाला पुल का सकह चांडाल जो शूद्र से भी नीचे होता है वा अथवा अपि भी शुद्ध शुद्धे रन शुद्ध किया जा सकता है यस्य जिस भगवान नारायण के कीर्तनात् नाम जप से तम उसको अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ के द्वारा महामखेन समस्त यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा अन्विता श्रद्धा युक्त अस्माभि हमारे द्वारा अनुष्ठितेन अनुष्ठितेन किया गया हत्वा मारकर अपि भी
सब ब्रह्म चर अचरम, ब्राह्मणों समेत सभी जीवात्माएं तुम न नहीं लिप्य से कर्मस ग्रस्त होते हो, किम तो फिर क्या खल निग्रहेण एक दुष्ट असुर को मारने से तो कैसे हो गए, हम अश्वमेध करेंगे, इतने लोग इतनी हत्याएं भी हुई हैं तो भी इस पाप से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर आपने किसी की हत्या की, ब्राह्मण हत्या की, पितृ हत्या की, आचार्य हत्या की, उसके बाद ग्लानि हुई, आपने अश्वमेध यज्ञ किया, तो ये तो सही बात है, लेकिन पहले से प्लान करके ये कहाँ तक सत्य है, ये गलत गलत लगता है। ऐसा मेरे साथ पढ़े, भगवान नारायण के पवित्र नाम के भगवान नारायण भगवान के के पवित्र पवित्र नाम नाम के के जब जप मात्र के से ब्राह्मण मात्र से ब्राह्मण ब्राह्मण गाय 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 पिता 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 माता 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 गुरु के हत्या करने वाला मनुष्य गुरु गुरु की के हत्या हत्या करने करने वाले वाले मनुष्यों मनुष्य समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त किया जा सकता है। समस्त समस्त पाप पाप फलों फलों से से तुरंत तुरंत मुक्त मुक्त किया जा सकता है। किया जा हाँ, सकता है। वो कह रहे हैं खाली पवित्र नाम के जप से ही किया जा सकता है। अन्य पापी मनुष्य भी अन्य पापी पापी मनुष्य भी मनुष्य भी यथा कुत्ते को खाने वाले, यथा 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 कुत्ते कुत्ते को को खाने खाने वाले वाले तथा वाले तथा चांडाल दोषु चंडाल दुष्टों शूद्रों से भी निम्न से भी निम्न है, है, इसी प्रकार से मुक्त हो जाते हैं, इसी इसी प्रकार प्रकार से से हो मुक्त जाते हो जाते हैं। हैं। फिर फिर आप तो भक्त हैं, आप फिर तो आप भक्त हैं, तो भक्त हैं। भक्त हाँ, इंद्र तो भगवान का भक्त है ना एक तरह से, और हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके, और और हम हम सभी लोग महान सभी अष्टमी यज्ञ भी करके आपकी सहायता करेंगे, आपकी आपकी सहायता सहायता करेंगे, करेंगे। करेंगे। यदि आप भी इस प्रकार, यदि ये आप आप भी भी इस प्रकार प्रकार भगवान भगवान नारायण को प्रसन्न करें, भगवान भगवान नारायण नारायण प्रसन्न को प्रसन्न करेंगे करें, तो फिर तो फिर आपको डर कैसा, आपको डर कैसा, तब आप मुक्त हो जाएंगे, तब आप मुक्त मुक्त हो हो जाएंगे, जाएंगे, भले ही आप ब्राह्मणों सहित, भले ही भले ही आप आप ब्राह्मण ब्राह्मणों सहित सही सारे ब्रह्मांड की हत्या क्यों न करते हैं, सारे सारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड की की हत्या हत्या क्यों क्यों न न कर करते दे, हैं, क्यों न कर भला दे, भृतासुर जैसे विघ्नकारी, भला भला भृतासुर जैसे जैसे विघ्नकारी, विघ्नकारी एक एक असुर की हत्या की बात क्या है, बाकी एक क्या है? असुर की एक हत्या हत्या की की बात क्या क्या बात है? है। हाँ, ये कह रहे हैं ऋषि लोग, ऋषि मुनि क्यों इतने आतुर हो रहे हैं मारने के लिए भृतासुर को, क्योंकि डर है, वो असुर अगर पैदा होता है सबको तकलीफ होती है, तो ऋषि मुनियों का एक काम होता है कि प्रजा को 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 कोई तकलीफ ना हो, तो इसलिए कह रहे हैं इसको मारो, क्योंकि ये पता नहीं क्या कर देगा, इतना शक्तिशाली है क्या कर देगा, ये बात पहले की बात बताई जा रही। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण पल्लवी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है, नामनो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरहा। यही नहीं, जगदानंद पंडित कृत प्रेम विवर्त में कहा गया है, एक कृष्ण नाम है पापीर यत पाप क्षय, बहु जन्मे से ही पापी करिते नारय। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के पवित्र नाम का एक बार जप करने से मनुष्य जितने पाप करने के बारे में सोच सकता है, उनसे भी अधिक पापों के फलों से वह मुक्त हो सकता है। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि केवल नाम जप से समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उनके संबंध में क्या कहा जाए जो नियम पूर्वक पवित्र नाम का जप करते हैं या श्री विग्रह की पूजा करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए पाप फलों से मोक्ष निश्चित है। किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि जानबूझकर पाप कर्म करके पवित्र नाम का जप करने के कारण अपने को उसके फल से मुक्त समझ लिया जाए, ऐसी मानसिकता भगवान के चरण कमलों पर घोर अपराध है।
नाम नोबला यस्य ही पाप बुद्धि ही। निस्संदेह भगवान के पवित्र नाम में समस्त पाप कर्मों को निष्प्रभावित करने की शक्ति है, किंतु यदि कोई नाम जप करते हुए जानबूझकर बारंबार पाप करता है तो वह निंदनीय है। इन श्लोकों में अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वालों के नाम गिनाए गए हैं। मनुसंहिता में निम्नलिखित नाम दिए गए हैं: ब्राह्मण, पिता तथा शूद्र, माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र, पार्श्व या निषाद कहलाता है, अर्थात वह शिकारी जो चोरी करता है, शूद्र स्त्री के गर्भ से निषाद द्वारा उत्पन्न बालक उल्कस कहलाता है, शूद्र की कन्या से क्षत्रिय द्वारा जन्म दिया गया पुत्र उग्र कहलाता है, शूद्र द्वारा क्षत्रिय की कन्या से उत्पन्न किया गया हुआ पुत्र शता कहलाता है, निम्न वर्ण की स्त्री के गर्भ से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र श्वाद अथवा कुत्ता खाने वाला कहलाता है। ऐसी संततियां अत्यंत पापी मानी जाती हैं, किंतु भगवान का पवित्र नाम इतना प्रबल है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ये सभी पवित्र किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन जन्म या कुल का विचार किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बनने का सुअवसर प्रदान करता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत 2.4.18 में पुष्टि की गई है। किरात किरात गुणांद्र पुलिकंद पुलिकषा पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभाय वनः कसादयः ये अन्ये च पापा यद पाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरात गुण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर शुंभ यवन तथा खस आदि नीच जातिया तथा दूसरे पापी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्ति हैं। उन सर्वशक्तिमान भगवान को सादर नमस्कार है। ऐसे पापी व्यक्ति भी निश्चित रूप से शुद्ध हो सकते हैं यदि शुद्ध भक्त के निर्देशन में वे भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। यहाँ पर ऋषिगण राजा इंद्र को वृत्रासुर के वध के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही उसे ब्रह्म हत्या क्यों न लगे, और वे उसे अश्वमेध यज्ञ करके पाप से छुड़ाने का आश्वासन देते हैं, किंतु इस प्रकार जानबूझकर किए गए पश्चाताप के फलों से पाप कर्म करने वाले को छुटकारा नहीं मिल सकता, जिसे अगले श्लोक में देखा जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। तो हरि नाम इतना इतना शक्तिशाली है कि आप बड़े बड़े पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि पाप अगर आप इंटेंशनली करते हैं इरादतन कि मैं हरि नाम जप के इसको शमित कर दूंगा, वो गलत है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। श्री शुका वाचा एवं संचोदितो विप्र मरुत्वान अहनत रिपुं ब्रह्म हत्या हते तस्मिन् आस सात एक नौ और मैं बदल गया आस सात ब्रसका ब्रस ब्रसा कपिम। फिर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। श्री शुका वाचा एवं संचोदितो विप्र मरुत्वान अहनद रिपुं ब्रह्म हत्या हते तस्मिन् कहा एवं इस प्रकार संचोदित प्रोत्साहित होकर विप्र ब्राह्मणों के द्वारा मरुत्वान इंद्र ने अहनत वध कर दिया रिपुम अपने शत्रुवृत्रासुर को ब्रह्म हत्या एक ब्राह्मण की हत्या का पाप हते मारे जाने पर तस्मिन जब वह वृतासुर आसजात पास गया वृषाकपिम इंद्र जिसको वृषाकपि भी कहते हैं, कितने नाम हैं इसके, मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर
इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। इंद्र ने इंद्र वृत्रासुर का वध कर दिया, कर दिया। और जब वो मारा गया तो और जब जब वो वो मारा मारा गया गया तो तो ब्रह्म हत्या का पाप, ब्रह्म ब्रह्म हत्या का पाप, पाप पाप फल फल इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र के इंद्र पास के पहुंचा, पास पहुंचा। तात्पर्य माता हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या से नहीं बच सका। पहले उसने परिस्थितिवश क्रोध में आकर विश्वरूप नामक एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, किंतु इस बार ऋषियों के उपदेश के अनुसार उसने जानबूझकर एक दूसरे ब्राह्मण का वध किया था। अतः पाप फल पहले से भी अधिक बड़ा था। इंद्र को प्रायश्चित हेतु मात्र यज्ञ करके इस पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता था। उसे अपने पापों के घोर फल भोगने पड़े, और जब वह उससे मुक्त हुआ तभी ब्राह्मणों ने उसे अश्वमेध करने दिया। श्री भगवान के नाम जप के बल पर जानबूझकर पाप कर्म करने या फिर प्रायश्चित कर लेने से किसी को या यहाँ तक कि इंद्र तथा नहुष को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति में नहुष स्थानापन्न था, और इंद्र अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि इंद्र पर ये पाप चढ़ा हुआ था, तो इंद्र अपनी गद्दी पर नहीं बैठ सका। उसने नहुष को कहा कि तुम मेरी जगह काम संभालो। नहुष को तो ये इंद्र इधर उधर भटकता भटकता फिरा काफी समय तक। तये इंद्र यानी तया इंद्र, त इंद्र की तय इंद्र स्म असह तापम, स्म असह तापम निवृत्ति 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 ही, क्योंकि रौ है ऊपर। न अमुम आविशत ह्रीमंतम वाचताम प्राप्तम सुखयन्ति अपि नो गुणा। मेरे साथ पढ़िए। तया इंद्र स्म तेन्द्रः अहसताम, स्मापम्, तये इंद्र तया इंद्र स्म असहतापम, तयो इंद्र इंद्रः स्मापम निवृत्ति ना अमुम आविशत। निवृत्तिर्नामुमाविशत् श्रीमन्तं वाचतां प्राप्तं, प्राप्तम् सुखयन्ति अपि नो गुणाः। शब्दार्थ है तया, उस कार्य से इंद्र राजा इंद्र ने स्म निसंदेह असहत सहन किया। तापम क्लेश या दुख निवृत्ति ही प्रसन्नता ना नहीं अमम उसको आविशत प्रवेश किया। ह्रीमंतम लज्जाशील वाचताम अपयस प्राप्तम प्राप्त करके सुखयंत प्रसन्नता प्रदान करते हैं। अपि यद्यपि नो नहीं गुणा उत्तम गुण यथा ऐश्वर्य आदि। मेरे साथ पढ़े। देवताओं की सलाह से देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। दिया और इस पापपूर्ण हत्या के कारण और कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा, उसे कष्ट उसे कष्ट उठाना उठाना पड़ा। पड़ा। यद्यपि अन्य देवता गण प्रसन्न थे, किंतु वृत्रासुर की हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। इंद्र के इस क्लेश में इंद्र के इस क्लेश में अन्य उत्तम गुण अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य
तथा ऐश्वर्य यथा धैर्य तथा ऐश्वर्य उसके सहायक नहीं बन सके। जो उसके सहायक नहीं सहायक बन नहीं सके। बन सके। हाँ, जो उसका ऐश्वर्य था, उसका धैर्य था, उससे आपके कितने भी अच्छे गुण हों, वो आपको मदद नहीं कर सकते, आपने ब्रह्म हत्या कर दी, तो ये बता रहे हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमन कुलार माता जी, सुमन कुलार माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा मनुष्य के पास कितना भी भौतिक ऐश्वर्य क्यों ना रहे, पाप कर्म करके वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इंद्र ने उसे सत्य पाया। लोग उसकी यह कहकर निंदा करने लगे कि इस व्यक्ति ने स्वर्ग का भौतिक सुख भोगने के लिए ब्राह्मण की हत्या कर दी। यद्यपि इंद्र स्वर्ग का राजा था और भौतिक ऐश्वर्य भोग कर रहा था, किंतु जनता के दोष रोपणों के कारण वह निरंतर दुखी था। हरे थैंक यू हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ये हमारे भौतिक जगत में भी होता है कि अगर किसी से महान गलती हो गई, जो उसका वो भी पर्टिकुलरली जो बड़े पदों पर हैं, आप देखते हैं उसमें उनके न्यूज एकदम छपती है, फ्रंट पेज में आती है और टेलीविजन में आती है, और अब तो आपके ये जो न्यूज हैं ये तो आपके मोबाइल में भी आ जाती है, आप सब जगह फैल जाता है कि ऐसा ऐसा किया करके। तो वो एक जो अपयश जो मिलता है वो बहुत उनको दुखी करता है। सिर्फ एक व्यक्ति है जिस पर इसका असर नहीं पड़ता, वो भगवान का भक्त है। कितना भी उसकी कोई बेइज्जती कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित है। और जो उसका अपयश करता है, जो उसकी बेइज्जती करता है, वो उससे भी गुस्सा नहीं होता। ये भक्त कितना महान होता है आप समझ सकते हैं। ताम ददर्श अनुधावंती चांडालीम इव रूपिणीम। अब उसके सामने आ रही है जो उसके पाप कर्म का फल सामने आ रहा है। जरिया बेपमान अंगीन यक्ष यक्ष्म सॉरी यक्ष्म ग्रस्ताम श्रृपटाम विकेण पलितान केसान तिष्ठ तिष्ठे दिभाषिणी मीन गंधी असुगंधे ना पूर्वती मार्ग दूषण। आ गई उसके सामने उसके दुखों की पोटली। मेरे साथ पढ़िए। ताम ताम ददर्श अनुधावंती चांडलीम इव रूपिणीम जरिया बेपमान अंगीम अंगी यक्ष्मग्रस्ताम् अश्रिकपटाम् यक्ष्मग्रस्ताम् यक्ष्मग्रस्ताम् अश्रिकपटाम् यक्ष्मग्रस्ताम् अश्रिकपटाम् विकेण्य पलितान् केशान् पलितान् पके हुए कहते हैं ना, पके हुए बाल, सफेद बाल, पलितान केसान तिष्ठ तिष्ठे इति भाषणी हीन गंधी असुगंधे ना पूर्वती मार्ग दूषणम। इतनी बदबू थी उससे, पूर्वती मार्ग दूषणम, रास्ते को जहां से वो जा रही थी वहां बदबू बदबू फैल रही थी, ऐसा ऐसा बता रहे। शब्दार्थ है ताम ब्रह्म हत्या को ददर्श देखा अनुधावंते, पीछा करते हुए इंद्र ने उसका पीछा कर रहे। कौन? चांडालिम, चांडालिम
निम्न श्रेणी की स्त्री एव सदृश उसके सद दिख रही वैसे रूपिणी रूप धारण करके जरिया बुढ़ापे के कारण बेपमान अंगिम कांपते हुए अंगों वाली यक्ष्मग्रस्ता क्षमा रोग से ग्रस्त क्षय रोग कहते हैं इसको क्षय रोग। अब हम इसको टीबी कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अब ये बहुत बड़ा रोग नहीं रह गया है, इसमें होता था पहले ट्रीटमेंट नहीं था तो लोगों के खून की उल्टी हो करके मरते थे लोग। और खून की उल्टी होने का मतलब है अब इसका समय आ गया। मैं बहुत छोटा था तब तो उस समय जिसको बोलते थे उसको टीबी हो गया, डरते भी थे क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस कंटेगियस डिजीज है, दूसरे को फैल सकते हैं एकदम। तो ये और इसके उपचार बहुत ही कम जगह होते थे, उपचार थे ही नहीं तब, ट्रीटमेंट ही नहीं था। ये आपने देखा नाम सुना होगा भवाली सैनिटोरियम करके, जहां पर नेहरू की वाइफ भी शायद वहीं गई थी कमला नेहरू, उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हुआ था क्योंकि ऐसी जगह भेजते थे जहां ऑक्सीजन ज्यादा है। नैनीताल के बगल में है 9 किलोमीटर भवाली, वहां पर एक टीबी का हॉस्पिटल है सैनिटोरियम करके बड़ा फेमस, तब एक ही था मेरे ख्याल से। वो ऐसी जगह पर बनाए गए थे जहां ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि लंग को ऑक्सीजन चाहिए और ट्यूबरक्लोसिस लंग बीमार हो गया तो ऑक्सीजन ज्यादा मिले तो फायदा हो, कुछ बच जाते थे अपने इम्यूनिटी से, इस टाइप का था। बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था, बुखार आया बुखार की गोली दे दी, दर्द हुआ दर्द की गोली दे दी, इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स का ट्रीटमेंट, रोग का ट्रीटमेंट था ही नहीं तब। अभी तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह अवेलेबल है। तो रूप धारण करके जरा बुढ़ापे को बेपमा अंगीम कांपते हुए अंगे अस्तग्रस्ताम हाँ क्षमा क्षय रोग से ग्रस्त असर्क पटाम रक्त से सने वस्त्रों वाली, क्योंकि उल्टी कर रही होगी खून की तो वस्त्र जो थे खून से रगे थे, विकीर्य दिखरे हुए पलितान श्वेत केसान बार तिष्ट तिष्ट ठहरो ठहरो इंद्र को कहती है। इति इस प्रकार भाषणी कहते हुए मीन गंधी मछली की सी गंध असु जिसकी श्वास गंधे न गंध से कुर्वती करती हुई मार्ग दूषणम सारे रास्ते का प्रदूषण। मछली की गंध क्या होती, सड़ी बदबू। आपने अगर आप किसी मछली मार्केट से गुजरते हैं तो सड़ी बदबू आती है तो लंग से भी, क्योंकि लंग सड़ गए तो बदबू उसके सांस से, ऐसे बता बता रहे। मेरे साथ पढ़िए, इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या के फल को एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते देखा, वह अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी और उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे उसकी श्वास से मछली की सी असह्य दुर्गंध निकल रही थी जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। उसने इंद्र को पुकारा ठहरो ठहरो ठहरो। तात्पर्य माता जी आप पढ़ दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य को यक्ष्मा रोग हो जाता है
तो प्रायः रक्त वमन होता है, जिससे कपड़े रक्त से सन जाते हैं। मैं तो समझा हूँ यक्ष्म रोग जो है एक क्षय रोग है, मैं यही समझा हूँ अभी तक। तो रक्त वमन होता है लेटर से ही। जब टीबी होती है शुरू में रक्त नहीं निकलता, बट लेटर जब लंग बहुत बीमार हो जाता है तो जिससे आपके उससे खून जो है उल्टी करता है, खून की वो उसकी आखिरी स्टेज होती है। नभो गतो दिशः सर्वा सहस्र अक्षो विषाम पते प्राग उदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं। मेरे साथ पढ़िए। नभो गतो दिशः सर्वा नभो सहस्र अक्षो विषाम पते विषम पते प्राग प्राग उदीचीं दिशं तूर्णं उदीचीं प्रविष्टो नृपमानसं। प्रविष्टो नृपमानसम् शब्दार्थ है नभ आकाश को, गतः जाकर, दिशा दिशाओं को, सर्वा समस्त, सहस्र अक्ष इंद्र जिसके 1,000 आंखें हैं इंद्र की कहा जाता है, विषाम पते हे राजा, ये सुखमनि कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। प्राग उदीचीम उत्तर पूर्व दिशम दिशा में तूर्णम अत्यंत वेग से भागा इंद्र, उससे डर डर के मारे प्रविष्ट प्रवेश किया नृप हे राजा मानसम मानस सरोवर नामक झील में। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, राजन इंद्र पहले आकाश की ओर भागा इंद्र पहले आकाश किंतु की उसने वहां भी उस ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री को किंतु उसने वहां भी अपना ब्रह्म पीछा पीछा करते देखा। करते देखा जहां कहीं भी वो गया जहां कहीं भी वो गया वो डायन उसका पीछा करती रही। वो डायन डायन उसका पीछा उसका पीछा करती रही। करती रही। अंत में वो तेजी से अंत में वो अंत में वो तेजी से सीधी से उत्तर पूर्व की ओर गया, उत्तर पूर्व की ओर गया और मानस सरोवर में घुस गया। और मानस मानस सरोवर में सरोवर घुस में गया। घुस गया। यह हाल है इंद्र का। ऐसी स्थिति में नुहस को उसने कहा कि तुम संभालो, मैं तो बहुत बुरी हालत में हूं। यह हाल हुआ उसके ब्रह्म हत्या का फल देख। स आवसत पुष्करणाल तंतून, नौ ऊपर चला गया, नलब्ध का नौ ऊपर गया, तंतून हो गया उधर, यहाँ ओ आ जाएगा उसकी जगह। अलब्ध भोगो यद इह अग्नि दूतः वर्षाणि साहस्रम साहस्रम अलक्षितो अंतः संचिन्तयन् ब्रह्म बधात विमोक्षम। मेरे साथ पढ़िए। स आवसत पुष्कर नाल तंतु सावसत पुष्कर अलब्ध भोगो यद इह अग्नि दूतः अग्निदूत वर्षाणि साहस्रम अलक्षितो अंतः वर्षाणि सहस्रम संचिन्तयन् ब्रह्म वदाद् विमोक्षम्। शब्दार्थ है सह वह इंद्र आवसत रहता रहा पुष्कर नाल तंतून कमल के नाल के तंतु जाल में, अलब्ध होगा किसी प्रकार की भौतिक सुविधा न पाते हुए, यत जो यह यहाँ अग्निदूतः अग्निदेव नामक दूत बरसाने स्वर्गीय वर्षों तक सहस्रम 1,000 अलक्षितः अदृश्य अंतः अपने हृदय में संचिंतयन
सदैव सोचते हुए ब्रह्म बधात ब्रह्म हत्या के से विमोक्षम मुक्ति। सदैव यह सोचते हुए कि ब्रह्म हत्या से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, ब्रह्म छुटकारा प्राप्त हो। राजा इंद्र सबों के सबों से राजा इंद्र सबों से अदृश्य रहकर सरोवर में कमलनाथ के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा। अग्निदेव उसे समस्त यज्ञों का उसका भाग लाकर देते। हाँ, जब यज्ञ होता है तो इंद्र का हिस्सा जाता है, तो अग्नि देती है ना सबको, आप अग्नि में डालते आहुति ओम स्वाहा करके, जैसे ओम इंद्राय स्वाहा, धारा तो अग्नि में, तो अग्नि तो उनके बहुत रूप है, 49 है, 51। आप अग्नि फिर उसको देती है, जिस देवता को कहा है उसको उसको देती है, तो अग्नि उसको ला करके जल में प्रवेश करके उसको देती थी उसका हिस्सा, उससे बचा रहा, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत थे, क्योंकि जल में अग्नि नहीं चल सकते, अतः इंद्र इस तरह से भूखों मर रहा था। हाँ, अब इससे आगे कल पढ़ेंगे, मुझे थोड़ा जाना है कहीं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी आचार्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।